मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के हितों को लेकर हमेशा से संजीदा रहते हैं। यही कारण है कि सूबे की सरकार मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी रहती है। अभी प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की जा रही है, वहीं बारिश होने के कारण मारवाड़ के किसानों की फसल खराब हो गई। लेकिन सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बारिश की वजह से काले हुए मूंगों के भी तुलाई के आदेश दिए, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। धरती का सीना चीर कर उसमें से अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरने वाले इन किसानों के लिए इससे बड़ी सुकून की बात क्या हो सकती है कि पहले तो वो मेहनत कर फसल उगाते हैं और जब उनको उस फसल का सही दाम मिल जाए तो क्या कहना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जोधपुर में भी मूंग खरीद जारी है। वहीं बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हुई, उससे मूंग के काले पड़ जाने के बाद भी मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों को राहत देकर उस मूंग की तुलाई के भी निर्देश देकर किसानों को राहत दी है। मूंग तुलने तो और क्या कहूँ, लाभ किसान लाभ मिल रहा सही थे। अब आज मूंग है काला एगा गलत एगा तो बरसात भर गई, अब तो किसान गलती नहीं, अब तो भगवान बरसात भर ही होगा काला होगा माल तो ऐसे डर रहेगा, जैसा माल है जैसा भाव मिलेगा। जोधपुर की बासनी मंडी में जिस तरह से 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंग तुलाई का काम जारी है, उसमें बाकायदा अलग अलग जगहों से जिस तरह से किसान यहां पर पहुंचकर अपने मूंग की तुलाई करवाने के साथ समर्थन मूल्य जो उनको मिल रहा है उससे उनके चेहरे पर खुशी का माहौल है। अब तक की अगर बात की जाए तो 350 से अधिक किसानों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है और मूंग तुलाई के तहत 13,700 से अधिक मूंग के कट्टे तोले जा चुके हैं। वहीं हल्के काले मूंगों की भी तुलाई के आदेश के बाद किसान सीएम गहलोत का आभार जता रहे हैं। तो बासनी मंडी में खरीद प्रभारी भियाराम विश्नोई ने बताया कि मूंग तुलाई से किसानों को काफी लाभ हुआ है। जिस तरह से बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद सीएम गहलोत ने किसानों के हक में ये फैसला लिया, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। 1 नवंबर से किसानों की तुलाई शुरू हो चुकी है मूंग की, जिसमें हमें तकरीबन 350 किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और 13,700 करीबन कट्टे तुल चुके हैं। हाँ, तो उसमें वो डिसकलर वाली प्रॉब्लम है, बाकी तो वो मेजरमेंट के अंदर ही आ रहा है, डिसकलर की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। इस बार बारिश अधिक होने की वजह से किसानों को भी परेशानी है। सरकार कितनी गंभीर जो है इस मामले में? बिल्कुल गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारी भी बुलाया, जिला प्रशासन को भी सूचित किया है। हमारे राजपेट के अधिकारी भी यहाँ आए थे तो इन्होंने वो समाधान करने की कोशिश करी। उस दिन किसानों को मूंग भी तुला और वो निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता का नतीजा है कि किसानों को पहले समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद होने जैसी सुविधा उपलब्ध हुई, बाद में बारिश ने जब किसानों पर कहर बरपाया और मूंग खराब होने लगी तो उस खराब मूंग को भी तुलवाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से आज किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं है बल्कि खुशी साफ तौर पर झलक रही है। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, उनकी फसल तुल जाए, यही किसान चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी की सुविधा को ध्यान में रख करके जोधपुर की बासनी मंडी में आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार 1 नवंबर से मूंग के तुलने का सिलसिला जारी है और किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर के बात करें तो इस बार बारिश अधिक होने के कारण मूंग का कलर बदल गया है, उसके बावजूद तुलाई का काम जारी है और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर उनका इसमें क्या कसूर है, अगर इंद्रदेव तो कुछ ज़्यादा बरस गए हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर के लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ मापदंड बदलने की ज़रूरत बता रहे हैं कि जिससे कि सीधा लेबोरेटरी पे चेक करवा दें कि क्या वो वाकई काम के हैं या नहीं, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से फसल पैदा करता है और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए उसके बाद अगर उसकी फसल को इनकार कर दिया जाता है तो उसका कितना दिल दुखता होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। सो कि भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।